नहीं नहीं नहीं, मैं और नहीं रुकूंगा। ये घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत रोना धोना सुन लिया मैंने, ये सब करने का कोई फायदा नहीं, समझ में आया? हमें कुछ वक्त का समय दे दीजिए, ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे रहने की कोई और जगह नहीं है। उन्हें वापस आने दीजिए, उसके बाद मैं... उन्हें वापस आने दीजिए है? 6 महीने हो चुके हैं उनके गए हुए, वो अब तक वापस नहीं आए। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको भी पता है कि वो आपको यहाँ छोड़कर भाग गए हैं। अगर आप भाड़ा चुका सकती हैं, तो रहिए, वरना रास्ता ना पिए। मैं आपको और समय तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, लेकिन आपके लिए एक काम का बंदोबस्त तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने आपको बताया ही था ना कि मैं इस घर को गेस्ट हाउस बनाऊंगा और आप होंगी होस्ट, तो जो गेस्ट आए उनकी आवभगत करना। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो फिर मैं भी और समय नहीं दे पाऊंगा। अगर आप नहीं गई तो मुझे कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा, और अगर मैंने कदम उठाया जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से चुपचाप निकल जाइए, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तेज बारिश में कोई भी आपका रोना धोना नहीं सुनने वाला। जिस तरह मेरी बात नहीं मानी है तो फिर इस घर में आप भी नहीं रह सकती। तो अब यहाँ से जाइए, जाइए, चलिए, जल्दी कीजिए। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही पुराना घर लग रहा है। बस थोड़ा सा ही तो है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए सर, आइए मैडम। अरे अब ये घर तो काफी पुराना है। पुराना है तो क्या हुआ, बहुत ही मजबूत और हवादार है। नहीं 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 नहीं, ये घर ठीक नहीं है। अरे मैडम, एक बार रसोई घर तो देखिए, बहुत बड़ा है। अरे लेकिन हम रसोई घर में नहीं रहेंगे, हम कमरे में रहेंगे। कमरे की रंगाई फीकी पड़कर बहुत अजीब हो गई है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे अगर आप कहें तो मैं इस पे रंग लगा दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, यहाँ एक अजीब सी महक है ना आरती? कई दिनों से यहाँ के दरवाजे और खिड़की बंद थे ना, इसीलिए। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आप लोगों के आने से पहले ही मैं ये घर लोगों से कहकर पूरी तरह से साफ करवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। आप मैडम को थोड़ा समझाइए ना सर, इस घर का किराया कम से कम 10,000 ही होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सस्ता घर चाहिए। ऊपर से ये घर थोड़ा पुराना भी तो है, इसीलिए 3,000 से ज्यादा नहीं लूंगा, और सिर्फ 1 ही महीने का एडवांस। हाँ नहीं, ये घर नहीं चाहिए, क्यों आरती, है ना? चलो।
क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो। अरे अभी तो हमें यहाँ से निकलकर मोहन नगर भी जाना है, वहाँ देखते हैं, वहाँ का घर हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ, चलो। क्या हुआ, तबीयत खराब लग रही है, थोड़ी देर बैठोगी? नहीं नहीं नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। क्या, नहीं नहीं, कोई दूसरा घर देखते हैं। मैंने कहा ना, हम लोग यहीं पर रहेंगे। ये ही तो, मैडम तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम ही तो मना कर रही थी, पुराना घर है, कमरा ठीक नहीं है। बोला ना, घर की रंगाई करवा दूंगा, कमरा मैं बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर मैं आपके नाम इस घर के पेपर तैयार करवाता हूँ मैडम। हाँ, करवा लीजिए। आखिर बात क्या है, हाँ, कभी हाँ तो कभी ना, तुम भी बहुत अजीब हो जाती हो कभी। अच्छा विष्णु, आपने जब मुझे प्रपोज किया था तब मैंने क्या कहा था आपसे, पता है? मतलब कि पहले तो नहीं कहा था। सिर्फ नहीं? ओके बाबा, कहा था इस जन्म में नहीं। उसके बाद उसी दिन शाम में मेरा कॉलर पकड़ कर कहा कि चलो शादी करते हैं। समझ गया। ओके ब्रदर, हम लोग ये घर ले रहे हैं। दारे दादा दादा दारे दादा दादा क्या बात है, ये तो कौवे के गले से कोयल की आवाज निकल रही है। तुम इतना सुरीला गाना कैसे गा सकती हो? सीखा है बाबू, जब मैं छोटी थी तब। बेकार की बात मत करो, हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, मैंने तो कभी नहीं सुना। सुनना नहीं चाहते थे इसीलिए तुमने नहीं सुना। अरे वाह, शादी के बाद भी कभी नहीं सुना? आपको कभी सुनने का समय ही नहीं मिला इसलिए। ओ, गमले में पौधा नहीं है, प्राण नहीं है, फिर पानी क्यों डाल रही? पानी मिलने पर ही तो प्राण मिलेंगे। ठीक है, चलो रसोई घर ठीक कर लेते हैं, उसके बाद बाहर खाने जाएंगे। क्यों निकाल रहे हो? ये नई जगह है, इसलिए सप्लायर ने कहा है कि गैस देने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक इसे ही काम चलाना पड़ेगा। भाग्यवान, जरा चाय बना दो प्लीज। हाँ, तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ? सुनो, तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? मेरी ही है, शादी में आपके घर से मिली थी मुझे। अपने घर की सब साड़ियाँ मैंने ही खरीदी थी, लेकिन ये तो आपको याद ही नहीं आ रहा, तभी तो नहीं आना स्वाभाविक है, अपना होता तो याद रहता। मतलब समझ नहीं आएगा। ठीक है, रेडी, चलो। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलो बाहर खाने जाएंगे। ओ भाग्यवान, क्या हुआ? आ रही हूँ। आ, 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 आ।
मैडम आप घर पर हैं? कौन? ब्रोकर सत्य प्रकाश। अंदर आ जाइए, बैठिए, मैं आती हूँ। जरा चाय मिल सकती है? लाती हूँ। ये क्या क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है? डॉक्टर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ मैसिव हार्ट अटैक, सॉरी, पुलिस को सूचना देनी होगी। ठीक है, मैं ही वापस लौटते समय थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, मुक्ति नहीं मिलेगी। शापित आत्मा बनकर तुम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर तड़पते रहोगे। आंखों के सामने भोग विलास देखोगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। याद रखना, इच्छा की आग में जलोगे, जलोगे। आरती आरती, किसी की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई हंस रहा है, कुछ बोल रहा है। कहाँ? नहीं तो। अरे सर, आप कब आए? भाभी, आज मैं आपके हाथ से चाय पिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो चलो, अरे चलो दूसरे कमरे में चलो, इस मुर्दा कमरे से चलते हैं। अब ये मुर्दा कमरा क्या है? ये क्या हुआ? इन्हें तो मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। या, 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 मैं मर चुका हूँ।